अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आपके साथ जी रेसिपी शेयर करूंगी एप्पल बनाना मिल्क शेक की, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही लजीज ये बनता है। तो इसको बनाने के लिए जी यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने 3 अदद ले लिए हैं केले और 4 अदद मेरे पास छोटे साइज़ के सेब हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो ले सकते हैं जितनी आपको क्वान्टिटी बनानी हो। मैं यहाँ पर 4 गिलास की सर्विंग जो है वो बना रही हूँ। तो मैंने 4 छोटे साइज़ के सेब ले लिए हैं, आप बड़े साइज़ के 2 अदद भी ले सकते हैं। 3 केले ले लिए हैं साथ। अब मैंने उनके छिलका उतार कर और उनके पीसेस बनाकर मैंने डाल दिया है जी ब्लेंडर जार में। और इसी तरह जो बनाना है उनका भी छिलका उतार कर मैं इस तरह ब्लेंडर जार में जो है वो डाल रही हूँ। तो 4 गिलास की सर्विंग जो है वो मैं तैयार कर रही हूँ। तो आप देख लीजिए आपको कितनी चाहिए, आप उसी हिसाब से क्वांटिटी जो है वो कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो देखें जी, 3 केले जो हैं वो मैंने छील कर डाल दिए हैं। अब यहाँ पर मैं चीनी डाल रही हूँ, ये तकरीबन 4 खाने के चम्मच चीनी है। आप मीठा अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 किलो जितना दूध जो है वो मैंने डाल दिया है। आइस क्यूब डाल दिए हैं इसको अच्छा से ठंडा करने के लिए, और इसको कर दिया है ब्लेंड। तो देखें अच्छे से ब्लेंड कर लिया है मैंने इसको 2 मिनट तकरीबन, ताकि अच्छे से जो है वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। तो ब्लेंडिंग जो है वो आप अच्छे से कर लीजिए। जो है चीनी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से, इसकी जगह आप शक्कर भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो लीजिए, मिल्क शेक जो है वो हमारा रेडी हो चुका है, एप्पल बनाना मिल्क शेक रेडी हो चुका है। लेकिन इसके लिए एक सीक्रेट भी है जिससे इसका टेस्ट और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि मैं आपको बताने लगी हूँ। देखिए मैंने ग्लास में डाल दिया है ये। अब जी यहाँ पर मेरे पास मौजूद है कुल्फ़ी, खोए वाली कुल्फ़ी मैंने ले ली है। आप इसकी जगह आइसक्रीम भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये कुल्फ़ी है, इस कुल्फ़ी को डालने से इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाएगा। तो देखें जी, इसके मैंने यहाँ पर पीसेस कट कर लिए हैं। तो आप चाहें तो पहले ब्लेंडिंग टाइम में भी इसको डालकर टोटली सारी चीज़ों को ब्लेंड कर सकते हैं। तो मैंने सर्विंग टाइम पे इसको डाला है, तो अब भी ये बहुत ही मज़े का टेस्ट देती है साथ। तो बस अब मैं इसके पीसेस कट करके जो है वो मैं ग्लासेस में सर्व करूँगी। तो आप भी कुल्फ़ी मलाई के साथ इसको सर्व कीजिएगा, बहुत मज़े का इसका टेस्ट बनता है। या आइसक्रीम अगर आपके पास है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने इसके पीसेस कट कर लिए हैं। अब इन पीसेस को मैं डाल रही हूँ ग्लासेस में। तो ग्लासेस में डाल के जो है वो आप इसको सर्व कीजिए, बहुत मज़े का इसका जायका बनता है। तो इस लिहाज से भी मीठा जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डालिएगा कम या ज़्यादा, क्योंकि देखें कुल्फ़ी मलाई भी जो है वो मीठी होती है और शक्कर भी हमने डाली है। तो इस हिसाब से आप शक्कर जो है वो अपनी मर्ज़ी से चेक करके डालिएगा जितना आपको ज़रूरत हो। तो देखिए ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो एप्पल बनाना मिल्क शेक जो है वो रेडी हो चुका है विद कुल्फ़ी मलाई, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि आपको और आपके बच्चों को ये कैसी लगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। फिर किसी रेसिपी के साथ हाज़िर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।